किसी भी घर में जितना ज़्यादा समय महिला लगाएंगी अपने किचन में, उतने ज़्यादा बीमार रहेंगे घर के सारे लोग। तो महिलाओं किचन में क्या काम भाई, आप जाओ जल्दी से आ जाओ। अगर आपने ये किया कोई बीमार नहीं हो सकता। गए और 5 मिनट में जो कर पाए किया, लेके आ गए। बस ये एक रूल फॉलो कीजिए, बीमार कोई कैसे रहेगा। उसको पकाएंगे, तड़का लगाएंगे, फिर पकाएंगे, मसाले डालेंगे, तभी ना टाइम लगता है। और मतलब ये कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, गया गए धोया आ गए, राइट। इफ यू कैन डू इट, डोंट हीट द फूड मच, राइट। हम क्या करते हैं, फूड को हीट करते हैं, खाने को हीट करते हैं और बॉडी को ठंडा रखते हैं। देखिए एसी में अंदर बैठते हैं। जानवर क्या करता है, खाना खाता है, फिर धूप में जाके अपने आप को गर्म करता है, राइट। तो आपको कुक करना ही है तो पहले खाना खा लीजिए, फिर धूप में बैठिए, भगवान कुक करेगा ना, राइट। सो थैंक यू। सो वी हैव टू डू द कुकिंग बट इन रिवर्स, पहले खाओ फिर कुक होने दो, राइट। हम उल्टा करते हैं, पहले हम कुक करते हैं उसको। जितना ज़्यादा सिलेंडर का खर्चा है उतनी ज़्यादा दवाइयों का खर्चा है। सिलेंडर का खर्चा आप 50% करके दिखाइए, मैं बता दूंगा कि दवाई खर्चा 50% अपने आप हो जाएगा, राइट। 100% बदलने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 50% ही बदल जाइए, उतने में भी आपको इम्प्रूवमेंट दिख जाएगी। इसकी जगह आप लीजिए सनशाइन, धूप की सीढ़ी। और अनफॉर्चुनेटली इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई विटामिन डी की दवा या कोई और चीज़ की रिप्लेसमेंट है ही नहीं दुनिया में। कई बार ऐसे मेरे पास पेशेंट आते हैं जो कि ऐसे देशों में रहते हैं, ऐसे कंट्रीज में रहते हैं, ऐसे कॉन्टिनेंट में रहते हैं जहाँ धूप नहीं है। कनाडा का एक जगह से कि धूप ही नहीं है, तो क्या करूँ। तो मैं बोलता हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। इफ हेल्थ इज इंपॉर्टेंट देन वेल्थ, देन यू हैव टू टेक ए डिसीजन एंड यू हैव टू गो अवे फ्रॉम दैट। कोई ऐसी जगह जहाँ सनलाइट नहीं है वो हमारे लिए बनी नहीं है, राइट। तो वो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। सनलाइट का कोई रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता, फिलहाल तो कोई है नहीं। तो आप देखिए कि पूरे दिन भर में क्या मैंने अपने बॉडी को 30 मिनट्स सनशाइन में एक्सपोज किया। अगर तो नहीं, फिर आप हेल्थ के हकदार नहीं, राइट। उतना एक्सपोज, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करें तो अच्छा है। सिंपल ये कीजिए कि यहाँ से घर जा रहे हैं, कम से कम खिड़की कार के खुला रखिए, इतना तो करना आसान है। सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, बालकनी में बैठ के, छत पे बैठ के कर लिया, इतना तो कर ही सकते हैं। लंच कर रहे हैं ऑफिस में, तो लंच हम अपने सीट पे ना करके बाहर जहाँ धूप निकल रही है वहाँ बैठ के कर लें। ये छोटे छोटे बदलाव करेंगे, 30 मिनट ना सही 15 मिनट धूप तो एक दिन में देख ही लेंगे। मतलब एक कोशिश करनी पड़ेगी ज़्यादा डिस्टर्ब ना करके अपने लाइफस्टाइल को।